शनिवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर चल रही छठवीं उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम प्रतियोगिता की विजेता पीएससी पूर्वी जोन, उप विजेता पीएससी मध्य जोन और तृतीय स्थान पर रही पीएससी पश्चिमी जोन को मुख्य अतिथि एडीजी दावा शेरपा ने विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि एडीजी दावा शेरपा का स्वागत प्रतियोगिता के संचालन कर रहे एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कैप लगाकर किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मलखम खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से मलखम का प्रदर्शन कर अतिथि का स्वागत किया। प्रतियोगिता के संचालक एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मुख्य अतिथि ने सह संचालक टीम को धन्यवाद देते हुए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने संबोधित किया। इस मौके पर उप सेनानायक 26वीं बटालियन मुन्नालाल, आईपीएस वीरेंद्र कुमार, सभी जोन के प्रशिक्षक सहित विभाग के अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा, प्रदर्शन देखिए, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन मलखम पर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन मलखम के माध्यम से किस प्रकार से करते हैं ये जवान। बैठता है उसका एक सुंदर उदाहरण ये देखिए, बहुत ही सुंदर जोरदार तालियां बजाएं। शेर की आकृति मलखम के माध्यम से अगली प्रस्तुति इन जवानों द्वारा लाया फ्लावर फाटासी भारतीय पुलिस सेवा की वर्षगांठ के अवसर पर इन जवानों द्वारा कमल के फूल की आकृति जोरदार तालियां। कमल के फूल की आकृति उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश पुलिस को गौरव को बढ़ा जीत जाए। रुकिए, देखिए, जाइए, आजकल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, उसका एक सुंदर नजारा इन जवानों द्वारा मलखम के माध्यम से। रुकिए, देखिए, जाइए, जिग जैग फॉर्मेशन का प्रदर्शन बहुत ही सुंदर नजारा अब आपके साथ नजारा बिल्कुल अब तैयार की मुद्रा में। और देखिए नारियल की आकृति ये देखिए, बहुत ही सुंदर जोरदार तालियां बजाएं मलखम पर नारियल की आकृति इन जवानों द्वारा शक्ति और संतुलन का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। कुछ करने को तैयार होती है उसका मलखम के माध्यम से फ्लाईओवर फॉर्मेशन, चिड़िया किस प्रकार से उड़ती है उसका एक सुंदर नजारा इन जवानों द्वारा ये देखिए, बहुत ही सुंदर चिड़िया उड़ रही है, देखिए हाथों के मलखम। और ये देखिए भारत माता की जय का उद्घोष मलखम के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस गौरवमयी पुलिस का ध्वज और तिरंगा ध्वज लिए जवान जोश और जज्बे से भारत माता की जय का उद्घोष बहुत ही सुंदर। चरण सिंह द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम। अब बारी आती है प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है जनपद गोरखपुर टीम के टीम कैप्टन द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम। तालियां बजाकर जवानों का उत्साह वर्धन करते रहे, बहुत ही सुंदर मार्च। और अब ताज नगरी आगरा के टीम कैप्टन द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। और मेरठ जोन के टीम कैप्टन द्वारा
मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। पुलिस मलखम प्रतियोगिता का आयोजन इस जनपद में दिनांक 15 मार्च 2018 से 17 मार्च 2018 तक परेड ग्राउंड पुलिस लाइन गोरखपुर में कराया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर के द्वारा दिनांक 15-18 को किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस के 11 टीमों ने भाग लिया है। कतिपय कारणों से 3 जोन की टीमों ने भाग नहीं लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पीएसी पूर्वी जोन, द्वितीय स्थान पीएसी मध्य जोन, तृतीय स्थान पीएसी पश्चिमी जोन एवं चतुर्थ स्थान गोरखपुर जोन को प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न कराने में निर्णायकों ने अपना अमूल्य समय देकर पूर्ण मनोयोग से इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया। मैं इनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सेना नायक 26वीं वाहिनी पीएसी एवं उनके अधिकारीगण का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने टीमों के रुकने हैं तो बैरक और खेल उपकरण उपलब्ध कराया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रतियोगिता के रोमांचक क्षणों को अपने अपने समाचार पत्र में प्रकाशित और प्रचारित कराया। साथ ही पुलिस लाइन्स के अधिकारी कर्मचारीगण संस्थान निरीक्षाकारी जिन्होंने सहयोग किया उन्हें भी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। मैं मुख्य अतिथि महोदय अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रतियोगिता के समापन अवसर पर अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच उपस्थित होकर प्रतियोगिता का मान बढ़ाया। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने कार्यक्रमों से खिलाड़ियों को नीरज कुमार हरि ओम सिंह मुकेश कुमार दिवाकर कुमार दौड़ के आइए मोहम्मद हुसैन चंद्र पीटीएस गोरखपुर श्री संतोष कुमार सहायक प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम टीम और मैं धीरेंद्र बहादुर सिंह टीम मैनेजर और प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस श्री बदन सिंह यादव अब बारी सर कभी बढ़ जाए हल्का स्पोर्ट प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने में योगदान देने वाले संपन्न हुई विदाउट प्रोटेस्ट के बहुत ही अच्छा सहयोग रहा ग्राउंड बनाने से लेकर प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने में जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्रतियोगिता के सकुशल सफल आयोजन में आपका संयोजन सचिव महोदय का विशेष योगदान रहा, आप के लिए स्मृति चिन्ह जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही सुंदर इस आयोजन सचिव तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर जोनल टीम के सभी मैनेजर्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे सभी हमारे साथियों कार्यक्रम प्रतियोगिता को सुचारू रूप से सकुशल रूप से संपन्न करने में अपने योगदान देने वाले सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण तथा उपस्थित महानुभाव ये खुशी की बात है कि आज गोरखपुर में ये अंतर जोनल इंटर जोनल प्रतियोगिता सकुशल और सौहार्दपूर्ण और एक अच्छे माहौल में आप लोगों ने पूरा किया है।
विजयी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, तथा बाकी जिन लोगों ने भी अपनी सहभागिता दिया है और खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है वो सब भी बधाई के पात्र हैं। इसी तरह खेल को आगे बढ़ाइए और निरंतर अभ्यास और कोशिश से अपने अपने खेल को अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे टीम में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये टीम खेल है, टीम का प्रदर्शन होता है, तो इसमें आपस में तालमेल बहुत आवश्यक है। आपने जो प्रदर्शन यहाँ जिन लोगों ने दिखाया वो भी बहुत ही सुंदर लगा। आप सभी लोगों को भविष्य में और बेहतर करने की शुभकामनाएं देता हूँ, तथा आयोजन समिति को बधाई देता हूँ कि एक सुंदर आयोजन सकुशल पूर्वक यहाँ पर कराया है। इस प्रकार SSP गोरखपुर में रेफरीज सहयोग करने में सहभागिता में अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी गण को भी मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। मैं 6वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक मलखम प्रतियोगिता वर्ष 2018 का समापन का घोषणा करता हूँ। तीन दिन तक यहाँ पर प्रतियोगिता चली है और PAC के पूर्वी जोन विजयी रहा है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आयोजन समिति के लोग और SSP साहब जो सह सचिव भी हैं उन्होंने अच्छा प्रबंध किया है, और खिलाड़ियों ने भी बहुत ही उत्तम श्रेणी की मलखम प्रदर्शन यहाँ किया गया है। सर, क्या इसको सार्वजनिक तौर पर इस खेल को लाना चाहिए? सर अवश्य क्यों नहीं, ये तो हमारे बहुत अपने गेम हैं, ये कोई बाहर से आई हुई नहीं, हमारे अपनी गेम है, गांव-गांव में इसको खेला जा सकता है, बशर्ते इसके लिए थोड़ी बहुत विभिन्न स्तर से या विभिन्न क्षेत्र से सहयोग मिले, उत्साहवर्धन मिले तो अवश्य।